एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आप जानेंगे एमएस एक्सेल का परिचय, एमएस एक्सेल स्टार्ट करना और साथ ही जानेंगे रोज, कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट इत्यादि के बारे में। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पहले कई वर्जन आ चुके हैं और हर नए वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कुछ फीचर ऐड किए जाते हैं। एमएस एक्सेल 2007 एक्सेल के पुराने सभी वर्जन से अधिक उपयोगी है। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसका उपयोग डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में डेटा रोज और कॉलम्स में स्टोर होता है। एक्सेल का उपयोग मुख्य रूप से फाइनेंशियली डेटा में गणित के कैलकुलेशन जैसे वैल्यू ढूंढना, एवरेज निकालना, काउंट करना, परसेंटेज आदि निकालना है। इसके अलावा डेटा में चार्ट्स, ग्राफ, बेस और डेटा एनालिसिस किया जाता है। आइए माइक्रोसॉफ्ट की एमएस एक्सेल 2007 की प्रारंभिक जानकारी देख लेते हैं। आइए अब हम सीखते हैं एमएस एक्सेल स्टार्ट करना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे लैपटॉप की विंडो स्क्रीन पर। तो विंडो स्क्रीन पर आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के आपको राइट साइड में दिखेगा सर्च बॉक्स, तो इसमें हम क्लिक करेंगे और इसमें लिखेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जैसे लिखेंगे तो ये आगे आपको जैसे आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमारे पास एक्सेल की सीट खुल गई है। तो सबसे पहले आपको ऊपर ये दिखाई जिसमें एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार की लेफ्ट की तरह टाइटल बार के लेफ्ट कुछ और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। टूल बार पर क्लिक करेंगे, टूल बार पर बहुत सारे न्यू ऑप्शन होंगे जैसे न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अंडो, रीडो आदि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आपको न्यू ऑप्शन चाहिए तो क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको ऑप्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने न्यू ऑप्शन लेना है तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे होंगे न्यू का ऑप्शन आ गया। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल एन, मान लीजिए हमें इसको हटाना है तो इसको फिर दोबारा से हम क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जैसे कि हमें न्यू हमने सेलेक्ट किया था तो उसको हटाना है तो हम हटा देंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हट गया देख रहे हैं आप। मान लीजिए हमें कोई और ऑप्शन लेना है तो ओपन का, तो ओपन पर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन का आ गया। जैसे कंट्रोल एन से ओपन, कंट्रोल ओ से ओपन होता है। तो इसके बाद में आप देखेंगे अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो दोबारा से आप क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करेंगे और ओपन जो लिखा है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। अब आप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख रहे हैं सबसे एंड में इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जिस डॉक्यूमेंट पर आप रिसेंटली वर्क करते हैं वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जिस डॉक्यूमेंट्स पर रिसेंटली वर्क किया है वो आपको मिल जाएगी। जैसे कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन, एक्सेल का परिचय, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन। तो मान लीजिए हम इसको ओपन करना है तो हम यहाँ पर इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। अब हमें टाइटल बार के जो नीचे रिबन दिख रहा है इसे बिल्डिंग ब्लॉक टैब कहते हैं, इसे बिल्डिंग ब्लॉक टैब कहते हैं। इसके आप होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, रिव्यू व्यू आदि बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हर टैब में आपको अलग अलग ब्लॉक्स मिलते हैं। जैसे कि होम टैब में जाएंगे तो आपको बहुत सारे जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग आदि बहुत सारे। जैसे वैसे ही आप इंसर्ट पर भी जाएंगे तो इंसर्ट पर भी आपको टेबल, डेस्टिनेशन, चार्ट्स, लिंक, टेक्स्ट, उसी प्रकार से आप लेआउट पे भी जाएंगे तो थीम्स, पेज सेटअप, स्केल फिट, उसके बाद होता है सीट ऑप्शन आदि बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे।
यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में आपको नेम शो करेगा, जैसे कि C3 लिखा हुआ है तो C कॉलम है और D रो है, तो ये सेल्स का नेम हो जाता है, इसे नेम बॉक्स कहते हैं। और उसके आपको राइट साइड में ये फॉर्मूला बार, इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। मान लीजिए इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे तो इसमें फॉर्मूला हम टाइप करते हैं काउंटेबल नाम, जैसे कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला या वर्ड्स टाइप करेंगे वह यहाँ दिखाई देगा। एक्सेल में फाइल या वर्कशीट होती है जिसमें हम काम करते हैं, और ये वर्कशीट रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है, और ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इसे कहते हैं सेल्स। हर वर्कशीट में टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं। और जैसे कि कॉलम के बारे में बता दूं, अब कॉलम क्या होता है, तो कॉलम ये होता है, तो आपको पता लग गया होगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कॉलम है ये सारे, जैसे आई सिंबल दे रखा है इसमें, ये सारे कॉलम है। और 10,148,576 रोज होते हैं, तो रोज कौन से होते हैं, तो रोज आपको ये होंगे, ये जैसे आप देख रहे हैं इस साइड से रो होता है ऐसे, और ये होता है आपको कॉलम, तो आपको पता लग गया होगा कि रोज और कॉलम क्या होता है और सेल्स क्या होते हैं। ये सेल्स होते हैं, यहाँ पर राइट साइड में नीचे की तरफ स्क्रॉल बार मिलता है, जिसकी सहायता से आप अपने डेटा को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। इसके नीचे स्टेटस बार होता है, जो वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं उसकी एवरेज काउंट और मैक्सिमम दिखाता है। तो कैसे, चलिए हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, तो हमने जैसे ही इस वैल्यू को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एवरेज आ गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1302.6 हो गया, और काउंट नंबर 5 है, तो जैसे कि आप 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 दिखा रहा है और एवरेज भी आपको ये दिखा रहा है, और टोटल इनका सम कर दिया है तो 6513 हो रहे हैं, जैसे कि 6513।